हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों भारतीय नौसेना के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो अंडर आर्म्ड है इन कंपैरिजन टू सिमिलर वेट कैटेगरी के जो वेस्टर्न डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके साथ। तो भारतीय नौसेना का जो सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर होने वाला है या सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर होने वाला है वो INS विशाखापट्टनम क्लास है। INS विशाखापट्टनम की बात करें तो उसमें 48 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसमें 32 जो हैं वो बराक 8 के लिए है जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, और 16 जो हैं वो ब्रह्मोस के लिए है जो कि एक एंटी शिप और एंटी सरफेस मिसाइल है। तो 7500 टन के डिस्ट्रॉयर के हिसाब से ये जो वेपन लोड है इसको काफ़ी कम माना जाता है। कंपैरिजन करते हैं अमेरिका के आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के साथ। तो USS जैक ल्यूकस की बात करेंगे, जिसको 2023 में कमीशन करना है और 2019 में ही उसे लेट डाउन किया गया था। इसके अगर वेपन लोड की बात करें तो ये टोटल 96 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ आता है और ये करीबन 9200 टन का है, जो कि करीबन 2000 टन ज़्यादा है INS विशाखापट्टनम से। तो 2000 टन के अंतर में इतना ज़्यादा अंतर कैसे है वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम का? तो जो आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं वो कैरी करते हैं RIM-66 सरफेस टू एयर मिसाइल को, जो कि मीडियम रेंज की सैम है और करीबन 150 किलोमीटर तक की रेंज देती है प्रोटेक्शन के लिए। साथ ही साथ RIM-162 सरफेस टू एयर मिसाइल भी कैरी करते हैं ये डिस्ट्रॉयर्स, जो कि करीबन 50 किलोमीटर के ऊपर की प्रोटेक्शन रेंज प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को भी कैरी करते हैं, जो कि एक एंटी शिप और एंटी सरफेस मिसाइल है। साथ ही साथ ये RUM-139 को भी कैरी कर सकता है, जो कि एक एंटी सबमरीन मिसाइल है, जैसे कि DRDO स्मार्ट है। साथ ही साथ अगर चाइना के सबसे नए डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, यानी कि टाइप O-55 की, तो उसमें भी करीबन 112 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम दिए हैं और वो करीबन 12,500 टन का है। तो ये जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के नंबर हैं ये डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रॉयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। अमेरिका और चाइना की बात करें तो उनके इंटेंशंस डिफरेंट हैं अपने डिस्ट्रॉयर के साथ। वो एज अ पावर प्रोजेक्शन की तरह यूज़ करना चाहते हैं और लैंड अटैक के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं। तो उनके जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं वो कैरी करते हैं एंटी शिप मिसाइल को, एंटी सरफेस मिसाइल को, फिर उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को, फिर सरफेस टू एयर मिसाइल में भी मीडियम रेंज की और लॉन्ग रेंज की, साथ ही साथ एंटी सबमरीन मिसाइल को भी कैरी करते हैं। वेरेज जो इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका जो मेन पर्पस है वो एंटी शिप रोल का है। तो वो एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस कैरी करते हैं और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बराक 8 को कैरी करते हैं। बराक 8 काफ़ी अच्छी मिसाइल है, जो शॉर्ट रेंज में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है और मीडियम रेंज में भी प्रोटेक्शन अच्छी प्रोवाइड करा देती है। तो ये दोनों रोल वो मिसाइल अच्छे से पूरा कर देती है। वहीं पर चाइना की बात करें तो चाइना अपनी HHQ-9 मिसाइल को यूज़ करता है अपने टाइप O-55 डिस्ट्रॉयर में, जो कि 27 किलोमीटर से पहले टारगेट को इंगेज नहीं कर सकते, जिसके लिए उसे एक शॉर्ट रेंज के भी सरफेस टू एयर मिसाइल को अलग से कैरी करना पड़ता है। साथ ही साथ उनके जो डिस्ट्रॉयर हैं और अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर हैं वो पार्ट है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का, तो वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करते हैं। तो उनके डिस्ट्रॉयर का वो पर्पस है, इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर का वो पर्पस नहीं है। बाकी किसी मामले में भी आप इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स को कंपेयर कर लें चाइनीज़ या फिर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स से, वो किसी मामले में कम नहीं है। चाहे टोरपीडो ट्यूब्स की बात कर ली जाए, चाहे मेन गन की बात कर ली जाए, चाहे क्लोज इन वेपन सिस्टम की बात कर ली जाए। रही बात फ्यूचर में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को बढ़ाने का, तो ये एक बात कहकर सामने आती है कि जब रीफिट किया जाएगा इन शिप्स को तो फ्यूचर में मिसाइलों को ऐड किया जाएगा और वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम ऐड किए जाएंगे, पर ये डिज़ाइन वाली बात होती है और ये पहले ही कर लिया जाता है। बाद में ऐसा होना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस चीज़ पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है कि बाद में इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम बढ़ा दिए जाएंगे। तो बात करें खाली 48 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम की, तो वो सफिशिएंट है अगर आप एंटी सरफेस मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी सबमरीन मिसाइल को कैरी नहीं कर रहे हैं। पर क्योंकि DRDO स्मार्ट डेवलपमेंट में है तो ये आप फ्यूचर में कैरी करेंगे। तो 48 से कुछ ज़्यादा नंबर होने चाहिए थे, 96 या फिर 112 नहीं होते कोई बात नहीं थी, पर 48 से कुछ ज़्यादा होने चाहिए थे।
क्योंकि ये जो 48 VLS नंबर है ये एक्चुअली डिफेंसिव डिस्ट्रॉयर के नंबर है जिसका सोल पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन का है, जहां पर वो एंटी शिप रोल के लिए यूज होगा। आई होप चीज़ें कुछ क्लियर हुई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।